आप लोगों को शायद पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज़ 28 जनवरी को लॉन्च होने वाली है। सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज़ में 3 मोबाइल्स लॉन्च होने वाले हैं, सैमसंग गैलेक्सी M10, सैमसंग गैलेक्सी M20 एंड सैमसंग गैलेक्सी M30। अगर आप लोगों को सैमसंग गैलेक्सी M10 के बारे में जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं मेरे चैनल में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक दे दूंगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी M20 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस के बारे में। और ये जो फीचर्स और स्पेसिफिकेशन आपको बताऊँगा वो 80 to 90% यहाँ पे सही होने वाले हैं, और जिस दिन ये लॉन्च होगा मोबाइल उस दिन 100% आपको पता ही चल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो चलिए हम सैमसंग गैलेक्सी M20 के कुछ लीक्स, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, इससे मेरी थोड़ी भी हेल्प हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें सैमसंग गैलेक्सी M20 की स्क्रीन के बारे में, तो वहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी M20 में आपको 6.3 इंच की स्क्रीन आपको मिल जाएगी। उसके साथ ही साथ आपकी जो मोबाइल की जो स्क्रीन होगी वो फुल HD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, जिसकी मदद से आप फुल HD क्वालिटी वीडियोज़ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं अगर कैमरे में फीचर मिला तो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपको यहाँ पे इन्फिनिटी वी नोच आपको सैमसंग गैलेक्सी M20 में मिल जाएगा, जिसकी मदद से यहाँ पे आपकी जो स्क्रीन है थोड़ी ज़्यादा बड़ी दिखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे उसमें आपको नॉच डिस्प्ले है यहाँ पे उन्होंने यूज़ करी है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बॉडी टू स्क्रीन रेशियो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी M20 की स्क्रीन और ये सब कुछ अच्छा लगे तो आप इस मोबाइल को आगे जाके बाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है मोबाइल मिड रेंज में रहने वाला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M20 के कैमरे के बारे में, तो यहाँ पे आपको दो बैक कैमरा देखने को मिल जाएगा, एक 13 मेगापिक्सल का कैमरा होगा और दूसरा होगा 5 मेगापिक्सल का कैमरा। अगर हम फ्रंट सेल्फी शूटर की बात करें तो आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अच्छी खासी इमेजेस और कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ आती है लोगों की लाइफ में, दो चीज़ आती है, एक तो मैंने बताया कैमरा, उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो बैटरी। जी हाँ, बैटरी को अगर देखें तो सैमसंग ने इस बार काफ़ी कमाल किया है, कमाल करने वाला है, क्योंकि सैमसंग ने खुद ये बताया है कि इस बार हमने बैटरी, कैमरा और प्रोसेसर पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। तो सैमसंग गैलेक्सी M20 बैटरी अगर देखें तो उसकी पावर है 5000 mAh की बैटरी। जी हाँ, आपको 5000 mAh की बैटरी यहाँ पे मोबाइल में मिल जाएगी। उसके अलावा अगर हम एडिशनल बैटरी फीचर्स के बारे में बात करें तो सैमसंग ने ये बताया है कि इस बार आपको यहाँ पे बैटरी के ऊपर हमने कुछ सॉफ्टवेयर की लेयर्स लगाई है, जिसकी मदद से 5000 mAh की जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगर हम यहाँ पे बात करें सैमसंग के M20 के ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 8.1 ओरियो, और शायद ये भी कुछ लोगों ने बताया है कि यहाँ पे आपको एंड्रॉयड पाई भी इस मोबाइल में देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं मेन चीज़ की। जी हाँ, सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है हमारा कि यार दाम कितना है भाई, प्राइस कितना है, तभी तो लोग उसको खरीदेंगे ना। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी M20 प्राइस इन इंडिया जो रहने वाला है वो होगा अप्रोक्स 13,000 के आसपास, 12,990 और 12,500 लोग कुछ कह रहे हैं इसी के आसपास होने वाला है। और हम कुछ यहाँ पे एडिशनल फीचर्स की बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग उसको कम देखते हैं, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट होता है कुछ लोगों की लाइफ में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फेस अनलॉक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा बैक में आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको ईजिली मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप ईजिली अपने फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करें, आपको यहाँ पे खाली एक वेरियंट देखने को मिलेगा, मतलब कि अगर हम सैमसंग गलेक्सी M20 की स्टोरेज के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे 3 GB रैम और उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे दो मॉडल मिलेंगे, एक 32 GB वाला मॉडल मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा यहाँ पे 64 GB वाला मॉडल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ और फीचर्स की, जैसे कि आपको यहाँ पे डुअल 4G सपोर्ट मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे शायद यहाँ पे कंफर्म नहीं है अभी, क्योंकि अभी ये वीडियो जो है हम 19 जनवरी को अपलोड करने वाला हूँ, तो उसके बाद अगर आप ये वीडियो कभी देखें तो हो सकता है उस टाइम पे आपको पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी अभी तक फ़िलहाल ये है कि यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट ही मिलने वाला है M10 और 20 में, जहाँ तक अभी तक पता चला है। तो अभी तक यही कुछ फ़ीचर्स सामने आए हैं सैमसंग गैलेक्सी M20 के और गैलेक्सी M20 के। तो अगर आपको ये फ़ीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देना, और कमेंट सेक्शन में जाके बताना कि आपको कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, गैलेक्सी M10, M20 और M30, क्योंकि मैंने एक कंबाइंड वीडियो भी बनाई है जो कुछ स्पेसिफिकेशन मैंने बनाए हैं सैमसंग गैलेक्सी एम सीरीज़ के बारे में, उसकी लिंक भी मैं इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप उसको जाके भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। तो
तो मैं आपसे ही बोलूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सीओ यूट्यूब के टिप्स और टेक्नोलॉजी की जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है वो मैं यहाँ पे लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलता हूँ आपसे कुछ अगली ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।